अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैयाज अहमद और यह है मेरा चैनल वारिस सर्विसेज। जी आपको दिखा रहे हैं यह इंसान के मंडी। सऊदी अरब, दुबई और महंगाई ने यहाँ के आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। सफ़ेद पुश्तक का यहाँ पे आता है, आप इन्हें 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के लिए ले जा सकते हैं। बहुत अवकार है। ये देखें, आपके सामने एक मजदूर लेने आया हुआ है, बहुत अवकार रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ बात नहीं बनेगी। एक लेने के लिए आया है, उसके पास 6-7 जमा हो गया है। देखिए ये आपके सामने, ये महंगाई के हालात, ये महंगाई के बारे में यहाँ पे सुबह सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं ज़रूरत में। जो भी यहाँ पे अमीर तबका है, ज़कात उशर अगर किसी ने देना है तो यहाँ आके दे सकते हैं। इनकी बच्चों की रोटी तो चले, कुछ तो हो। ये सामने मजदूर, तमाम ये मजदूर फिर रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी मजदूर उठा के ले जा सकते हैं, उनकी उजरत दे के या उससे भाव तो कर के। ये सामने मजदूर ही खड़े हैं, सुबह ये आस लेके आते हैं, शाम को भी लौटे हैं अपने घर के बच्चों के लिए कोई दाल रोटी, जितना पैसे कमा के ले आए। घी का रेट तकरीबन 350, चीनी 110 रुपए, चाय की पत्ती 110 रुपए में आपको मिल रही है, और यहाँ पे उजरत है वो बढ़ ही नहीं रही। 500 से 600 रुपए मजदूर सुबह से ले जाए शाम तक 5-6 बजे तक, सूरज गरूब होने तक, क्या उजरत है 500 से 600 रुपए तक। यहाँ आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे। पुल डॉट के ऊपर ये मंडी लगी है, सुबह के वक्त ये बेचारे यहाँ जमा हो जाते हैं, 10-11 बजे तक यहाँ रहते हैं। इस आस से कोई आ जाए हमें ले जाए, हमारे बच्चों के लिए कुछ तो हो जाएगा। ये देखिए ये मजदूर बेचारे फिर रहे हैं, वो इनको मजदूरी बता रहा है 300-400 बता रहा है, ये कहते हैं कि महंगाई है, हम क्या करें, अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएं। ये देखें वो जितना मजदूरी बता रहा है, मज़दूर उसके पास नहीं जा रहे, कम अज़ कम 400-500 में आता क्या है। एक घी का पैकेट और एक 4-5 किलो आटे नहीं आता है, सारा दिन कमा कमा के। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।